आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसको रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के पीछे चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी का बहुत बड़ा योगदान है और ये उनकी पार्टी का एजेंडा भी रह चुका है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में 7 स्केड्यूल और 392 सेक्शंस हैं, जिसको इस वेनसडे को पास करा जा रहा है। और इस बिल में मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड लिव इन रिलेशनशिप पर फोकस करा गया है। वहीं दूसरी तरफ इस बिल में पॉलीगमी, पॉलीएंड्री, हलाला, इद्दत और तलाक जैसी चीजों को खत्म कर दिया गया है। और जो जो लोग इन चीजों को नहीं मानेंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करी जाएगी। जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग अगर अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते हैं तो उनको 1 साल की सजा और 10,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में गोवा सबसे पहला स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ को 1961 में लेकर आया था। तो इस यूसीसी को लाने के लिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने भी एक पैनल को अपॉइंट करा था, जिसने फाइनली 750 पेजेस की एक पूरी रिपोर्ट बनाई है, जिसमें 2 लाख से ऊपर लोगों ने फीडबैक दिए हैं। और इस पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्टिंग के लिए 60,000 से ऊपर लोगों ने अपना योगदान दिया है। बहुत ही जल्दी इस कानून को गवर्नर के हस्ताक्षर मिल जाएंगे और उसके बाद ये लॉ पास हो जाएगा। बेसिकली इस लॉ को लाने की वजह है कि हर व्यक्ति जो भारत देश में रहता है उसको इक्वली ट्रीट करा जाए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मुस्लिम्स के अंदर शरिया लॉ होता है, जिसमें वो मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं। हिंदूज में सेकंड मैरिज करने के लिए प्रॉपर डिवोर्स देना पड़ता है। भारत देश में रिलीजन के बेसिस पर भी लॉज डिफरेंट होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये लॉ पर्सनल आइडेंटिटी से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। यूसीसी सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल लोगों पर इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बिकॉज ये लोग कई सालों से इस चीज को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और क्योंकि ये जेनरेशन टू जेनरेशन चलता आ रहा है, इसीलिए इन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वहीं इस लॉ के आने के बाद से रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर्स मैंडेटरी हो जाएगा, जिनको रजिस्ट्रार के पास जाकर 1 महीने के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार इन सब चीजों को चेक करेगा, जैसे कि लड़का या लड़की माइनर तो नहीं है, और कहीं लड़का पहले से शादीशुदा तो नहीं है या फिर लड़की पहले से शादीशुदा तो नहीं है। दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड में डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी इंक्लूड कर लिया गया है, जिसके अंदर आप कोई भी अपने ब्लड रिलेशंस में शादी नहीं कर सकते। जैसे मुस्लिम्स में अपने कजन्स या सिस्टर्स या ब्रदर से शादी कर लेते हैं, वही सारी चीजें अब बंद हो जाएंगी। इस कानून के आने के बाद सबसे ज्यादा रिलीफ इललेजिटिमेट चिल्ड्रंस को मिला है, जो बॉर्न हो चुके हैं डिस्पाइट कपल्स मैरिड नहीं थे। इसके अंदर पेरेंट्स विल बी लायबल फॉर दीज किड्स नाउ, बोथ हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट चाइल्ड। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस कानून को अदर स्टेट्स भी एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज करंटली बहुत सारे लॉ रिलीजियसली लोगों को अफेक्ट करेंगे। वैसे तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं इस समय उत्तराखंड में, तो इस बिल को पास होने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर क्या वहाँ की जनता इस कानून को एक्सेप्ट करेगी? आपके क्या व्यूज हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें।